आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में जमहूरी रिवायत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जाबिराना तर्ज अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज और अलामती पुतला नजरे आतिश। सोने के ताजरीन के जायज मुतालिबात को कबूल किया जाए, मुतालिबात की 100वीं तक एहतजाज जारी रहेगा। सोने के ताजरीन का एहतजाज और मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी। अवामी तरक्की ही TRS का नजबुलैन, KCR हुकूमत कई एक तरक्याती काम अंजाम दे रही है। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का दावा और तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। अवामी जिंदगी को तेज रफ्तार बनाने आइडिया कंपनी का एक बेहतरीन आइडिया, 4G नेट सर्विस का आगाज, हम सबसे आगे रहेंगे, आइडिया कंपनी के जुम्मेदारान का दावा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सआदत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुबहाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो तकब्बुर और तासुब उसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नुम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। और बाज लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के खदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला अबर के साहिबानों में आ जाए और फरिश्ते भी, और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ही की तरफ से तमाम काम लौटाए जाते हैं। सूरह बकरा आयत 206-210। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहु के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन खाना उस वलीमे का है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए। और जिस शख्स ने दावत वलीमा कबूल न की, उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत जायद फंड्स मंजूर कर रही है। सफाई के अलावा अवाम की प्यास बुझाने के लिए ये फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। शहर में सड़कों और नालियों की असरनु तामीर की जाएगी। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता का इंकशाफ। शहर में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, शहर की मेयर आकुला सुजाता के हमरा मुख्तलिफ डिवीजनों का दौरा करते हुए कई एक तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। Division 3 के हुदूद में CC ड्रेन और सड़कों के कामों का इफ्तिताह किया और 5वें और 10वें डिवीजन में CC ड्रेन और CC रोड का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि शहर को ग्रीन सिटी में तब्दील करने के इकदामात किए जा रहे हैं। 20 सालों में जो तरक्की ना कर सके, सिर्फ 20 माह में TRS हुकूमत ने कर दिखाया है। उन्होंने मजीद कहा कि शदीद खुशकसाली के बावजूद शहर की अवाम को पानी सरबराह करने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। शहर में किसी भी इलाके को पानी की किल्लत का मसला दरपेश ना हो, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साबिका हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से तरक्की ठप होकर रह गई थी। TRS हुकूमत बरसर इख्तदार आने के बाद तेज रफ्तार तरक्की हो रही है। निजामाबाद के रघुनाथ तालाब को मिनी टैंक बैंड में तब्दील करने के लिए हुकूमत से फंड्स मंजूर करवाए गए। इसके अलावा नए पार्क के खयाम के लिए भी फंड्स मंजूर किए गए। इस मौके पर डिप्टी मेयर MA फहीम, कारपोरेटर्स साईराम चांगुबाई और दीगर मौजूद थे। गर्मी की शिद्दत में बतदरीज होने वाले इजाफे ने अवाम को तशवीश का शिकार बना दिया। सुबह 9 बजे से ही गर्मी में तेजी पैदा हो रही है और 1 से 3 बजे के दरमियान गर्मी के शबाब ने सड़कों पर कर्फ्यू का माहौल बना दिया। अवाम घरों से निकलने के लिए शशोपंच का शिकार है। सुनते थे कि गर्मी माह में अपने नुक्ते अरूज पर पहुँचती है और ये माह में के अयाम उसके शबाब के अयाम होते हैं, और मई की शदीद गर्मियों के पेश नज़र दफातीर में कामों में तख़फीफ की जाती थी, तातीलात का भी ऐलान हो जाता था और स्कूल तो अक्सर बंद कर दिए जाते थे, और ये सिलसिला हनूज अब भी जारी है। अप्रैल अवाखिर में
शुरू होने वाली तातीलात जून के अवाविल तक जारी रहती हैं, क्योंकि माना जाता है कि अप्रैल के अवाखिर से या मई की इब्तदा से ही गर्मी में शिद्दत आती है, लेकिन इस बार पूरा मामला उलट हो गया। माह मई में गर्मी 42-47 डिग्री रिकॉर्ड की जाती थी। मार्च और अप्रैल में दर्जा हरारत बमुश्किल 31-36 डिग्री तक ही दर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार गर्मी ने वक्त से पहले ही आग उगलना शुरू कर दिया और अप्रैल की इब्तदा से ही अपने उरूज की मंजिलें तय करने लगी। 1 अप्रैल से ही गर्मी ने 40 डिग्री को पार कर लिया और मौजूदा हालत में 42 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत पहुंच चुका है और आइंदा चंद दिनों में इस गर्मी में मजीद शिद्दत पैदा होने की खयासारायां हुकूमती और अवामी सतह पर की जा रही हैं। जबकि महकुमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्तों और मई में गर्मी में कितना इजाफा होगा इसके बारे में खबरस कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन गर्मी शदीद होगी बल्कि गर्म लू भी चलेगी जो सेहत इंसानी के लिए मुहल्लिक साबित होती है। इसलिए हुकूमती सतह पर अहकाम जारी किए जा रहे हैं और अहदेदार भी मशावरती इजलास मुनक्किद करते हुए हंगामी हालात से निमटने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और साथ ही अवाम को भी हिदायत जारी की जा रही है। धूप से बचने और लू से महफूज रहने के इकदाम किए जाएं और साथ ही ठंडे मशरूबात बिलखसूस ORS पीने की तलखीन की जा रही है, बल्कि हुकूमती सतह पर ORS की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। निजामबाद जिला कलेक्टर योगिता राणा ने भी हाल ही में अवाम से मोहतात रहने की अपील की है और हिदायत की है कि हत्तल इम्कान दोपहर के वक्त घरों से न निकलें और अगर अशद जरूरत हो तो फिर एहतियाती इकदाम करके ही बाहर निकला जाए। तो बाधा पड़ी इन अ वेरी फ्यू टाइम फ्रेम ऑफ 1-1.5 आवर ఒకవేళ కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే చాలా త్వరగా ఆ డెత్ రావడానికి వీలు ఉంటుంది కాబట్టి చాలా పెద్ద స్థాయిలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మేము డివిజన్ లెవెల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఆ మండల లెవెల్లో గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో అంగన్వాడీ సెంటర్ లెవెల్లో అలాగే స్కూల్స్ లో కూడా ఈ 1 వీక్ లో ఆ ట్రైనింగ్ మేము ముందు పెడతాం. మేము ఏదో ఆలోచన చేసామంటే ఒక 200 చదువు కేంద్రం మేము ఓపెన్ చేస్తాం ఎన్జిఓస్ తో పాటు, కానీ 450 మనకి లెక్క వచ్చింది. సో ఆ చదువు కేంద్ర అన్ని మెయిన్ మెయిన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా మంది ఉంటారో అక్కడ కూడా వేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి 5 లాక్ ORS ప్యాకెట్స్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి చదువు కేంద్రాల్లో ఈ ORS ప్యాకెట్స్ కూడా మన వైపు నుంచి మేము అందుబాటులో చేస్తాం. అలాగే చదువు కేంద్ర కేంద్రాలను ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి నింపడం మేము MRO అలాగే అక్కడ ఉన్న కమిషనర్స్ మున్సిపాలిటీ కానీ మన కార్పొరేషన్ లో వాళ్ళకి కూడా బాధ్యత సగం ఇవ్వడం. अवाम भी इस गर्मी से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और गर्मी में निकलने से कबल एहतियाती इकदामात को तरजीह दे रही है। क्या आप दस्ती और रुमाल से अपना सर और मुंह ढांक रहे हैं, काले चश्मे पहनकर आंखों को धूप की तमाजत से बचा रहे हैं, ठंडे मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल होने लगा है, गन्ने का जूस, फ्रूट जूस, लस्सी, फालूदा, छाछ और मौसम्बी और दीगर फलों का शरबत अवाम की जरूरत बन चुका है, खवा वो कोई भी दुकान हो या सरेरा चलता हुआ कोई ठेला, बस आवाम को ठंडा पीने से ही मतलब है और लोग बड़ी शिद्दत से शरबत की तलब महसूस कर रहे हैं और शरबत पीकर आसूदगी हासिल कर रहे हैं। यहाँ आवाम के लिए एक मशवरा यह है कि वो गर्मी की शिद्दत के मौके पर कैरी को आग में भूनकर उसका शरबत बना लें और उसमें नमक या शक्कर मिलाकर पी लिया करें, जिसको आप शोला भी कहा जाता है। अगर ये नमक से पिया जाए तो बड़ा फायदेमंद है और वो पूरी ठंडक फराहम करता है और बहुत हद तक इंसानी जिस्म को धूप की तमाजत से महफूज रखता है। इसी तरह नींबू शरबत पिया जाए तो ये भी इंतहाई ठंडक का सबब बनता है, मगर खासकर इसको सिर्फ नमक से ही पिया जाए तो इंसानी जिस्म में ताकत व तकवियत पैदा होती है और वो शदीद से शदीद गर्मी को भी बासानी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। बहरहाल गर्मी ने सबको निढाल कर दिया, बिलखसूस जिले निजामाबाद की गर्मी तो दोनों रियासतों में सबसे ज्यादा दर्ज की जा रही है। गुज़श्ता 2 दिनों से दर्जा हरारत 42 डिग्री के लगभग पहुंच चुका था और आज यानी 3 अप्रैल को 3 बजे दिन दर्जा हरारत 43 डिग्री के लगभग रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आगे चलकर मजीद इजाफे का इम्कान है, इसलिए एहतियात लाजमी है। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और प्यास की शिद्दत से परेशान है। जानवर भी ठंडी जगहों पर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं और ठंडे मशरूबात को बेकरारी से पीने को बावले हो रहे हैं। क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई इस आग उगलती गर्मी और शदीद झुलसा देने वाली लू से परेशान है। ऐसे आलम में ऊपर वाले से दुआगो होना और उससे रहमत तलब करना इंतहाई लाजमी है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दौड़ो अपने रब की तरफ। धूप की वजह से ज्यादा
इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, टेम्परेचर 40 डिग्री 40 चल रहा है, इस वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेहत के लिए बेहतर है। धूप अभी से गमाज ज़्यादा बढ़ के है, धूप की वजह से गमाज सजग हो गई है। और क्या है, धूप की गर्मी से ज़्यादा पब्लिक हर इसको शिरकत कर रही, धूप बहुत हो रही, इसलिए गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती है, जूस पी रही थी। में गर्मी की शिद्दत और तमाजत बढ़ चुकी है, जो आवाम घरों से बाहर कामों के लिए निकल रहे हैं उनको जो है राहत के लिए इस तरह मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट के दुकान, फ्रूट जूस के दुकान खुल गए, गन्ने की जूस है। इस मौसम में गर्मा में जो है गन्ने का जूस बहुत सेहत के लिए अच्छा है और लोगों का इस्तेमाल से इससे राहत भी मिल रही है। बहुत गर्मी है और बाहर निकलने बेचैनी हो रही, उसका जूस वगैरह सब पी रहे ठंडे से, बड़ी सलाहत मिलती है जूस पीने से, और जूस पीने से ज़रा गर्मी की शिद्दत थोड़ी ख़त्म हो रही है। धूप बढ़ गई और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई से और 42-43 छरी इसलिए लोग क्या बाहर निकलने से डरे और कोई ठंडे चीज़ से भी धूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे, शाम के टाइम पे जो है ज़्यादा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ठंडी चीज़ को, और शाम के टाइम पे पब्लिक बहुत बाहर निकल रही, दिन में बहुत धूप है और इसलिए धूप की वजह से लोग क्या है। देहातों में पानी की किल्लत से निमटने के लिए मंडल सतह के ओहदेदार मुतहरिक रहे, गर्मी के पेश नज़र लू लगने के अमवात को रोका जाए, साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया और बोरगांव में यूथ कांग्रेस कायद सिद्धा साइलू के अराकीने खानदान को पुरसा दिया। हाल ही में सिद्धा साइलू के वालिद का कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था, बाद इजा उन्होंने ताड़ बिलोली मौजे का दौरा करते हुए सहाफती इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को मुख्तलिफ मशवरे देते हुए कहा कि तरक्की में हम भी हिस्सेदार रहेंगे और कहा कि खुशकसाली के संगीन हालात के पेश नज़र देहातों में पानी के मसले को हल करने के लिए मंडल सतह के ओहदेदार सरगर्म रहे और जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों को बर वक्त बिल्स अदा करने के अलावा उनके तहफ़ के इकदाम किए जाए। इस प्रोग्राम में मंडल सतह के कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स शरीक थे। पानी की आहार पथकम अंत मन उपाधि हामी क्रिएट पेट्टुकुन्नाम आ उपाधि हामी पथकम अदि कंटिन्यूएशन चेस्तलेरु, अदे विधंगा 3 मिलियन नुंचि डब्बुलु कूडा चेल्लिस्तलेरनि अंदरू बाधलु उन्नारु, डब्बुलु चेल्लिंचालि इमीडियट्। అదే విధంగా మాకు కనీసం పంటలు పండక 2 సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతూ ఉన్నాము, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇమ్మీడియట్ ఈ పని స్టార్ట్ చేయాలని వాళ్ళందరూ కోరుతూ ఉన్నారు, కాబట్టి లోకల్ ఎన్జిఓ కానీ తహసీల్దార్ కానీ కన్సల్ట్ అధికారులు రీజన్స్ చెప్పండి ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తలేరు, మీకు కలెక్టర్ పైనుంచి ఏదైనా ఆదేశాలు వచ్చినాయా, వచ్చినాక మీ నిర్లక్ష్యమా లేక పైనుంచే వస్తలేవా, ఈ కారణాలు చెప్పకుండా కనీసం వాళ్ళకు తిండికి లేక బాధపడతా ఉన్నారని బాధపడతా ఉన్నారు, కాబట్టి దాన్ని ఇమ్మీడియట్ సాల్వ్ చేయాలని చెప్తూ। शहर में पानी की किल्लत का मसला दरपेश है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा शिकार गरीब तबका बना हुआ है। शहर के पेंटर कॉलोनी की अवाम को पानी की सरबराही का वाहिद जरिया टैंकर्स है, जो कई कई दिन लापता रहते हैं, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार हो रही है। शहर के मजाफात में वाक़ पेंटर कॉलोनी पानी की किल्लत के संगीन बहरान से दो चार है, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी सिलसिले से वाबस्ता है और यहाँ बल्दिया की जानिब से नलों की फराहमी नहीं की गई है और एक बड़े इलाके को पानी की सरबराही के लिए यहाँ सिर्फ एक पुर पंप लगाया गया है, जिसके ताल्लुक से आवाम का कहना है कि वह अक्सर ख़राब रहता है, लिहाजा अब इस इलाके में पानी की सरबराही का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ टैंकर्स हैं, जिनके ताल्लुक से आवाम को शिकायत है कि वो भी बराबर नहीं आते, जिसकी वजह से आवाम को शदीद तरीन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके के ताल्लुक से ये बात बतानी ज़रूरी है कि यहाँ की आबादी की एक बड़ी तादाद पहाड़ों पर बसती है, जहाँ तक टैंकर्स की रिसाई मुमकिन नहीं है, इसलिए आवाम को सड़क के किनारे नीचे पानी के बैरल रख कर भरना पड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पानी पहाड़ों पर मौजूद मकानों को मुंतकिल किया जाता है। आवाम ने मुकामी कारपोरेटर और बुलदेव काम से ख्वाहिश की कि इनके इलाकों में बोरवेल और नलों की तंसीब अमल में लाई जाए, साथ ही आवाम ने इनके घरों में इंफरादी बैतुलखला तामीर करने का भी मुतालबा किया
और पुख्ता मकानों के लिए ताउन की हुकूमत से दरख्वास्त की और बताया कि इन इलाकों में जहरीले सांप, बिच्छू और दीगर जहरीले कीड़े कसरत से मौजूद हैं, जिनसे बचाव के लिए पुख्ता सहारा लाजमी है। होना जरूरी है, पानी बहुत कम पड़ रहा, नीचे से भरना पहाड़ पे घर रहता और जो टैंकर का भी आना मुनासिब नहीं है। चार दिन के एक बार टैंकर आ रहा, पानी भरते भरते बहुत तबीयत खराब हो जा रही। हम आपको जगह जगह बोर होना, पहाड़ पे पानी का कलेक्शन होना, कुछ तभी आप गुजारिश करो कुछ डैनेजों के लिए भी। और पहाड़ पे जा रहे बच्चे छोटे हैं, पानी भरने के गए तो सांपा भी निकल रहे, वो निकल रहे, बहुत परेशानी हो रही। पानी होना जरूरी है भाई, पानी की बहुत किल्लत है। बोरिंग मारने गए, बोरिंग में भी पानी नहीं आ रहा। हाँ, लैट्रिन बाथरूम बोले, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं आज तक बने नहीं गा। ऐसा टैंकर तो रोक रहा नहीं, टैंकर वाला बोल रहे थे ये रास्ता मार ये रास्ता बोल, कैसा बोल रहा हूँ। अवाम की फलाही हमारा मकसद बताते हुए इख्तदार पर आने वाली बीजेपी मुखालिफ अवामी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उत्तरांचल में सदर राज नाफिज करना बीजेपी की एक साजिश है, कांग्रेसी कायदीन का इल्ज़ाम। शहर में कांग्रेसी कायदीन की जानिब से मोदी के इख्तदार के खिलाफ एक रैली निकाली गई। कांग्रेस भवन से निकाली गई ये रैली धरना चौक पहुँच कर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। इस मौके पर DCC सदर ताहिर बिन हमदान ने अपने खिताब में कहा कि उत्तरांचल में जमहूरी इख्तदार होने के बावजूद बीजेपी साजिश करते हुए हुकूमत को बेदखल करने की कोशिश कर रही है। उत्तरांचल में कांग्रेस कायदीन को डराया धमकाया जा रहा है, ये जमहूरियत का खतल है। उन्होंने मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी मुतासिबाना रवैया छोड़कर जमहूरी हुकूमत को बहाल करे। इस एहतजाजी प्रोग्राम में वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकलू, पंचा रेड्डी चरण, नागेश रेड्डी, सुमेर अहमद मौजूद थे। केंद्र प्रभुत्वम प्रजास्वाम्यानी खूनी चेसिनटुवंटि विषयानी प्रजास्वाम्यानी विश्वसिंचे वाल्लम, ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఉత్తరాంచల్ ప్రభుత్వం, హరీష్ రావు గారు ముఖ్యమంత్రి, ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టి ఆ ప్రభుత్వాన్ని తప్పించి కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులను ప్రలోభపెట్టి అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిరసనగా, ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి నిరసనగా ప్రజాస్వామ్య యుతంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యుఐ, ఐఎన్టీయుసి అందరి సమక్షంలో మోదీ గారి దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగిందనేటువంటి విషయాన్ని ఈ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। निजाम सागर किनाल पर बाबनसा पहाड़ी के करीब एक कदीम पुल वाक़ है। अब ये पुल इंतहाई मखदूश हो चुका है और किसी खौफनाक हादसे का सबब बन सकता है। शहर के मजाफात में कई कॉलोनियां आबाद हो चुकी हैं, जिनमें असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर, पिंटर कॉलोनी, वेंगल राव कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी और दीगर बहुत सी कॉलोनियाँ शामिल हैं। इन कॉलोनियों को जाने के लिए आवाम की एक बड़ी तादाद को बाबन साहब की पहाड़ी से होते हुए अपने मकानों को जाना पड़ता है और रास्ते में निज़ाम सागर किनाल वाक़ है, जिसमें आम उदरफ्त के लिए कई साल कबल एक पुल की तामीर अमल में लाई गई थी, जो कि अपनी तामीरी मियाद की तकमील कर चुका है और अब उसकी गारंटी भी ख़त्म हो चुकी है। मौजूदा पुल इंतहाई मखदूश और खस्ताहाल हो चुका है और उसकी चौड़ाई महज 10 फीट तक है। इस पुल से रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, जिनमें मोटर बाइक्स और ऑटो के अलावा तामीरी अशिया मुंतकिल करने वाली लारियां भी शामिल हैं। अब यह पुल आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होता जा रहा है और इस पुल पर तामीर की गई दोनों सिमतों की हिफाजती दीवारें भी टूटी हुई हैं। इससे पहले ये दीवारें टूटी हुई थीं, जिनको मामूली सी मरम्मत करके छोड़ दिया गया था और अब फिर से ये हिफाजती दीवारें टूट रही हैं। इस पुल से गुजरने वाले लोग खौफ व खदशात का शिकार रहते हैं और हादसे का खदशा लाहक रहता है। मुकामी अफराद ने बताया कि कई बार इस मखदूश व बुरखतर पुल के ताल्लुक से मुख्तलिफ महकमाजात में नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन उस पर किसी भी अहदेदार ने दिलचस्पी नहीं ली। मुकामी लोगों ने कहा कि अगर उनके जायज़ मुतालबे को तस्लीम करते हुए फिलफौर इस पर नए पुल की तामीर नहीं की गई तो आवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। हम कई बार यहाँ बंद करे, रोड बंद जाम करे, हर चीज़ करे, आने जाने में बच्चे मर जा रहे, हर चीज़ हो रहे, क्या है ये? कोई गवर्नमेंट साहब ये नहीं करता।
दुनिया के हाथी साथ हो रहे हैं, हाथी से हो रहे हैं, दुनिया के लोग पड़ रहे गिर रहे पड़ रहे मरे ये उनका वो मार लगा सोने के ताजरीन का एहतजाज जारी है और मुतालबा बरकरार है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया जाए और पैन कार्ड की शर्त से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। निजामबाद में सोने के ताजरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त रैली निकाल कर धरना मुनज्जम किया और मुतालबा किया कि बढ़ाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया जाए और पैन कार्ड की शर्त से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। इन ताजरीन ने मरकजी हुकूमत के जाबिराना रवैये की सख्त मजम्मत की और कहा कि अवामी मफाद में सोने के ताजरीन के मुतालबे को तस्लीम किया जाए। मुतालबात की एक सुई तक एहतजाज जारी रखने का ताजरीन ने इंतबा दिया। మేము 35 రోజుల సమ్మె నిర్వధికంగా నిర్వహిస్తున్నాము, రాబోయే రోజులలో కూడా ఈ నెల 10 వరకు కూడా నిర్వధికంగా ఈ సమ్మె నిర్వహిస్తాము. ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణం జిల్లా సంఘం ఆధ్వర్యంలో కామారెడ్డి ఆర్మూర్ బోధన్ చుట్టుపక్కల మండలాలందరూ వేల సంఖ్యలో వ్యాపారులు పాల్గొని ఈ నిరసన తెలియజేస్తున్నాము. ఏ రోజైతే మేము స్వచ్ఛందంగా వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు కల్పించిందో తొందరగా మాకు ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ సుంకా నిర్ణయాన్ని ఎత్తివేసి రద్దు చేసి सारिफिन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के मकसद से आइडिया 4G की सहूलतें मुतारूफ कर रहा है। इसकी अहमियत से वाकिफ करवाने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली मुनज्जम की गई। जोनल ब्रांच मैनेजर प्रवीण वेलमोरी का ऐलान। आइडिया सेलफोन सारिफिन की सहूलत के लिए 4G नेट खिदमात मार्केट में मुतारूफ की जा रही है। जोनल ब्रांच मैनेजर प्रवीण वेलमोरी ने इंकशाफ किया। इस मौके पर आईडिया मुलाजमीन के साथ राजा राजेंद्र थिएटर के करीब से बाइक रैली निकाली गई। 3G इंटरनेट तक रहने वाली खिदमत अब 4G सहूलत मार्केट में दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को नेट की सहूलत फराहम करने के मकसद से आईडिया कंपनी काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम तबके की अवाम के हाथों में आईडिया सेलफोन और नेट की सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। టోటల్ నిజామాబాద్లో ఎంటైర్ నిజామాబాద్ టౌన్లో 40 సైట్లు ఉన్నాయి. 40 సైట్లో 4G లాంచ్ సేవలు స్టార్ట్ చేశారు. ఐడియా ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆపరేటర్ నిజామాబాద్ టౌన్లో లాంచ్. ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ వేరే నెట్వర్క్లో ఉన్నా మన నెట్వర్క్లో ఎంఎన్పీ చేసి 4G ఫ్లో చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ ఆల్రెడీ ఐడియాలో ఉంటే వాళ్ళు 4G సిమ్ స్వాప్ చేసుకుని 4G సేవలు వాడారు। शहर में पानी की किल्लत का मसला संगीन सूरतेहाल इख्तियार करता जा रहा है। अहम ज़खायरयाब भी खुश्क होते जा रहे हैं। नाकाफी बारिश ने बहरानी कैफियत पैदा कर दी। मौसम गर्मा में हालत तश्वीशनाक होने का खतरा लाहक है। अरबाब मजाज इस ताल्लुक से कोई मुस्बित लाअमल के ताल्लुक से अवाम को आगाह करे। निजामबाद शहर को पानी की सरबराही के लिए अतराफ के ज़खायरयाब से सहूलत हासिल थी, जिस पर ज़रई सराबी के अलावा पीने के पानी के लिए भी इनसार किया जाता था। इन अहम तालाबों में मनचिप्पा, अली सागर, जानकमपेट और किले का रघुनाथ तालाब शामिल है। इन तालाबों में हमेशा पानी लबरेज रहता था और इन तालाबों से शहर को मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाती थी, लेकिन जारिया साल बारिश की कमी ने इन तालाबों को तकरीबन खुश्क कर दिया और पानी की सरबराही अब एक मुश्किल तरीन मसला बन चुकी है। हालांकि एक साल कबल ही अंदाज़ा था कि नाकाफी बारिश तो क्या, वाफर बारिश की सूरत में भी इन तालाबों में पानी की कमी वाकई हो सकती है, लेकिन बारिश की सूरत में थोड़ी बहुत राहत मुमकिन थी, मगर नाकाफी बारिश ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। इन तालाबों में मौजूद हालात में पानी की कमी की कई वजूहात हैं, जिनमें नाकाफी बारिश अहम तरीन वजह बनी हुई है, लेकिन वहीं दिगर वजूहात भी नाकाबिल नज़रअंदाज हैं। इन तालाबों की महकुमा आबपाशी की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से यह तालाब झाड़ियों और बेलों से भरे हुए हैं। यही वजह है कि पानी की उतनी मकदार यहाँ ज़खीरा नहीं हो पा रही है जितनी कि इन तालाबों में पहले गुंजाइश थी। इसके अलावा ये तालाब बहाव के साथ आने वाले मिट्टी और रेती से भी भरे हुए हैं और इन तालाबों की गहराई भी कम हो चुकी है। ये महकुमा आबपाशी की वो संगीन गलती है जिसका खुमियाजा शहर की आवाम को मौसम में गर्मा में भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हालात में इन तालाबों में पानी की बड़ी मकदार में कमी वाकई हुई है। यह वक्त था जब ये तालाब पानी से लबरेज रहते थे, जिसका झिलमिल पानी नज़रों को बहुत भाता था, मगर ये तालाब तकरीबन खुश्क हो चुके हैं
और किसी बंजर जमीन के मंजर की अक्कासी कर रहे हैं। कोई इनकी हालत को देखकर ये नहीं कह सकता कि इन किनारों में कभी पानी बहता था होगा, मगर अब ये किनारे इंतहाई खुश्क नजर आ रही हैं और ऐसा महसूस होता है कि इसमें कभी पानी बहता ही नहीं था। बहरहाल निजामाबाद, बिलखसूस शहरी निजामाबाद, पानी की किल्लत के संगीन बहरान से दो चार होने में सिर्फ 2-3 महीने पीछे है, क्योंकि इतलात व खराइन के मुताबिक इन ज़खायर आब से पीने के पानी की सरबराही बमुश्किल 2-3 महीने तक ही की जा सकती है। इसके बाद ज़िले नज़्म व नस्क के पास सरबराही के लिए पानी मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि चंद दिन कबल रियासती वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले को वाफर पानी की सरबराही के लिए बड़ी स्कीम और बड़े फंड्स का ऐलान किया है, लेकिन इस जीवन में अब तक की क्या कार्रवाई की गई है इस ताल्लुक से अवाम अब तक ला इल्म है, क्योंकि पानी की सरबराही का जो मंसूबा रियासती वज़ीर ने पेश किया है उस पर अमलावरी और पानी की सरबराही के लिए कम अज़ कम 1 साल का वक्त दरकार है, बशर्त ये कि फिलफोर इन कामों का आगाज़ किया जाए, मगर काम के आगाज़ की फ़िलहाल कोई इतला नहीं मिली है। कहा नहीं जा सकता कि ये काम कब तक शुरू किया जाएगा, लिहाजा इस मसले को पुश्त डालते हुए अरबाब मजाज से सवाल करते हैं कि फिलफोर पानी की सरबराही के लिए उन्होंने क्या मंसूबा तैयार किया है, जबकि तकरीबन ज़खायर आब खुश्क हो चुके हैं, क्योंकि इन ज़खायर आब को लबरेज करने वाले ज़राए भी मजदूद हो चुके हैं, लिहाजा इन ज़खायर आब को सिर्फ बारिश के पानी पर इन्हिसार करना था और बारिश हुई नहीं, लिहाजा अब पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए इन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ज़रूरत है कि ज़िले हकाम इस हसास व संगीन रुख इख्तियार करते हुए पानी के मसले की एक सुई के लिए फौरी जंगी तौर पर इकदाम करें, वरना मौसम गर्मा में हालात बेकाबू हो जाएंगे और उस वक्त उन पर कंट्रोल करना मुश्किल तरीन मामला बन जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, मुल्क में जमहूरी रिवायत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जाबिराना तर्ज अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मोदी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज और अलामती पुतला नजरे आतिश। सोने के ताजरीन के जायज मुतालिबात को कबूल किया जाए, मुतालिबात की एक सुई तक एहतजाज जारी रहेगा, सोने के ताजरीन का एहतजाज और मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी। अवामी तरक्की ही TRS का नजबुलैन, KCR हुकूमत कई एक तरक्याती काम अंजाम दे रही है, रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का दावा और तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। अवामी जिंदगी को तेज रफ्तार बनाने आइडिया कंपनी का एक बेहतरीन आइडिया, 4G नेट सर्विस का आगाज, हम सबसे आगे रहेंगे आइडिया कंपनी के जुम्मेदारान का दावा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।